नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है एंड इस बार ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि इस बार की जो वैकेंसीज़ है वो लास्ट ईयर का अभी 10% भी नहीं है। मिंटो से जो लास्ट ईयर वैकेंसीज निकली थी वो 12,075 थी एंड फाइनल प्रोसेस रिक्रूटमेंट होते होते ये वैकेंसीज 18,000 तक पहुंच गई थी, बट इस बार की जो वैकेंसीज है वो है ओनली 1,557। मीन्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, इस बार की वैकेंसी सच में बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि सारे इंडिया के यूथ्स ने मिलके ट्विटर पर कैंपिंग चलाया था रेलवे एंड एसएससी के लिए एंड उस हैशटैग को नंबर 1 पे पहुंचा दिया था, वैसे ही हम आईबीपीएस की वैकेंसीज इंक्रीज करने के लिए भी ऐसे ही जो ट्विटर कैंपिंग है उसमें सपोर्ट करेंगे। देखिए, हम लोगों को अपने हक के लिए फ़ाइट करनी तो है, बट उसके साथ हमें क्या मेंटेन करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई मिस बिल्कुल नहीं कर रहे, या जब से ये स्टार्ट हुआ है बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी है। देखिए, आपको क्या करना है कि कहीं जाना तो है नहीं, बस अपने फ़ोन से ही ट्वीट करना है। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को साथ में लेके चलते रहिए। सपोज़ करिए आपका एग्ज़ाम आ गया या फिर वैकेंसीज भी बढ़ गई, और फिर अब अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को अभी क्विट कर दिया या 2-3 दिन भी मिस कर दिया तो फिर आप कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम आएगा तो फिर बस आप उस एग्ज़ाम को जल्दी से निकाल लें। तो अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखिए एंड ये ट्वीट हमको बस 2-3 दिन करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वो चेंज होगी तो 2-3 दिन में नहीं चेंज होगी। उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इसमें रेगुलरिटी मेंटेन रखें और अपनी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। आपको भी पता है जैसे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें अगर हम एक दिन भी मिस कर देते हैं तो हमारा पूरा रिदम ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक, वेलकम्स यू ऑन माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वंडर बैंकिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अपने IBPS नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी को डिस्कस करते हैं कि IBPS क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क में मेजर डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं। जो IBPS क्लर्क है वो आपका स्टेट वाइज होता है एंड IBPS PO आपका सेंट्रल लेवल पर होता है, मींस इंडिया लेवल पर। आपको IBPS क्लर्क में अपने स्टेट में फाइट करनी है या फिर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं आपको उस स्टेट में फ़ाइट करनी है एंड जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो भी आपकी स्टेट वाइज जाएगी। क्लर्क है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है एंड IBPS PO में हमारा इंटरव्यू भी होता है। देखिए, अभी सितंबर है एंड जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट है वो दिसंबर में है, ठीक है। तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे 3 मंथ्स हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो आप सोचिए आपका प्रीलिम्स है दिसंबर में, 24 जनवरी को आपका मेंस है एंड 1 अप्रैल को आपको आपकी फाइनल लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा। मीन टू से ओनली 3 to 6 months एंड यू विल गेट जॉब। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो आप एक सीट ले सकते हैं, आप अपने आप को देख सकते हैं किसी बैंक में काम करते हुए और अपने सपनों को पूरा करना आप शुरू कर देंगे। तो देर किस बात की, अभी से लग जाइए, बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब हम अपने एग्ज़ाम की डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये सारी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स अभी मर्ज हो गई हैं तो बैंक्स काफ़ी कम हो गई हैं, इसलिए पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इस बार कम है एंड काफ़ी बैंक की जो वैकेंसी है वो अभी काफ़ी कम है। मीन टू से नॉन रिपोर्टेड है, बट ये लास्ट में जाते जाते वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये है हमारी एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन जो आया था वो 1 सितंबर को आया था एंड जो हमारी प्रीलिम्स की डेट है वो कौन सी है, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर एंड 13th of December। एंड जो इसका क्लर्क का जो मेंस होना है वो कब होना है आपका, 24 जनवरी 2021। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टेट है स्टार्ट हो गया था मीन 2nd of September से एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो कब है हमारी, 23rd September। आइए अब हम इस एग्ज़ाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या नीड है। आपको डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री
कुछ भी चल सकता है, मींस बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कुछ भी हो, एंड कोई भी स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं दी है, बस आप पास आउट होने चाहिए, ओके? एंड उसके बाद जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो मस्ट है, मीन टू से कि आपके पास या तो कोई सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो कंप्यूटर में, या फिर वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, या फिर आपने अपने 10th क्लास में या कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर कंप्यूटर पढ़ा है एज वन ऑफ सब्जेक्ट तो भी चलेगा। चलिए अब हम IBPS क्लर्क का एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 20 इयर्स है, एंड जो मैक्स एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 28 इयर्स। और जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या है, SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स है, मींस आप 28 में प्लस 5 कर लीजिए। OBC के लिए 3 इयर्स है, 28 में प्लस 3। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स है। डिटेल एज रिलैक्सेशन आप IBPS क्लर्क के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जैसे कि एक्स सर्विस मैन का क्या होगा, विडोज के लिए क्या है, डाइवर्सी वुमेन के लिए क्या है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम अपने IBPS क्लर्क की एग्जाम फी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एग्जाम फी है वो है ₹175, एंड जनरल एंड अदर कैटेगरी की जो एग्ज़ाम फ़ी है वो है ₹850। जैसे वैकेंसीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो वैकेंसीज हैं 2019 में वो स्टार्टिंग में 12,075 आई थी, एंड लास्ट में आई थिंक ये 17,000 या 18,000 हो गई थी। एंड जो 2020 में हमारी वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 1,557। आइए अब हम स्टेट वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। ये सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको शो हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में ओनली 7, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को कंबाइन करके ओनली 4, दिल्ली NCR 67, गोवा 17, गुजरात 119, हरियाणा 35, हिमाचल प्रदेश 40, जम्मू एंड कश्मीर ओनली 5, झारखंड 55, कर्नाटका 29, केरला 32, लक्षद्वीप 2 वैकेंसीज, MP 75, महाराष्ट्र 334, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम को कंबाइन करके जो हमारी वैकेंसीज हैं वो टोटल 4 है। नागालैंड में ओनली 5, उड़ीसा 43, उड़ीसा में वैकेंसी है वो है ओनली 43, पौंडीचेरी 3, पंजाब 136, राजस्थान 48, सिक्किम 1, तमिलनाडु 77, तेलंगाना 20, त्रिपुरा 11, UP 136, उत्तराखंड 18, वेस्ट बंगाल 125। अब हम अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि आपका प्रीलिम्स में कैसा पेपर आएगा। आपका जो पेपर आएगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे आपको 30, एंड मार्क्स होंगे 30, मींस 1 mark 1 question। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चन होंगे एंड मार्क्स होंगे 35, मींस 1 question carry 1 mark। एंड रीजनिंग में अभी आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे एंड मार्क्स होंगे 35, एक क्वेश्चन एक नंबर का। जो आपको टाइम मिलेगा वो तीनों सेक्शन में सेक्शनल टाइम होगा 20 मिनट्स का, मींस जो टोटल आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 100 आएंगे, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, एंड ड्यूरेशन होगा आपका 1 आवर का। आपको सारे सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी एंड ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होगी। आइए अब हम अपने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की रेंज को देख लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज मीन सारे स्टेट का कंबाइन करके एक एवरेज पे जो 2017 की कट ऑफ गई थी वो 65 से 72 के रेंज के बीच में गई थी, एंड 2018 की 63 से 73 के बीच में गई थी, एंड 2019 मीन्स लास्ट ईयर की कट ऑफ 65 से 73 के बीच में गई थी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। IBPS क्लर्क की सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 23 प्लस मिलेगा, बट ये सैलरी आपकी जैसे हमारे प्रमोशनल एग्जाम्स होते रहते हैं तो ये बढ़ के आपकी कहाँ तक पहुँच सकती है, 31,540। चलिए अब हम अपने IBPS क्लर्क एग्जाम की LPT मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, मींस दैट इज द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एज वेल एज स्पीक द कंसर्न लोकल लैंग्वेज। मींस अगर आप फॉर्म महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो आपका LPT मराठी में होगा, गुजरात से भर रहे हैं तो आपका LPT गुजराती में होगा। मींस आप अगर कोई भी हिंदी
लैंग्वेज वाली स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप महाराष्ट्र और गुजरात में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको LPT के लिए 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। और आपको क्या वो देते हैं, जैसे कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे देंगे, उसे आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए या किसी स्टेट में जाके काम करेंगे, तो बैंक में लोकल लोग आएंगे तो आप उनसे कैसे डील करेंगे, इसलिए LPT कंपलसरी होता है एंड आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। चलिए अब हम अपने IBPS क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। आगे ये डिस्कस करना रह गया था, आइए देखते हैं। देखिए, आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो ओनली क्वालिफाइंग है एंड जो मेंस एग्ज़ाम है इससे ही आपके मार्क्स ऐड होंगे और जो फाइनल कट ऑफ जाती है स्टेट वाइज वो आपके मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स से जाएगी। मीन्स मेंस एग्ज़ाम से ही आपका सिलेक्शन होगा, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो मस्ट है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो हम मेंस तक कैसे पहुँचेंगे। आइए देखते हैं कि मेंस में हमारे कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। मेंस में आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, 50 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस, और जो आपका सेक्शनल टाइमिंग होगा वो 35 मिनट्स का होगा, मीन्स एक क्वेश्चन एक नंबर का। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड जो टाइमिंग है वो 35 मिनट्स, इसमें भी एक क्वेश्चन एक नंबर का। बाकी कंप्यूटर एंड रीजनिंग एबिलिटी को कंबाइन करके आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 हैं एंड जो मार्क्स हैं वो 60 होंगे, मीन्स कुछ क्वेश्चन आपके इसमें दो नंबर के भी होंगे। उसके बाद जो इसमें टाइम अलॉट हुआ है वो कितना है, 45 मिनट्स। फिर मैथ्स के सेक्शन में आपको क्वेश्चंस होंगे 50, मार्क्स होंगे 50 एंड जो टाइमिंग अलॉट हुई है वो क्या है, 45 मिनट्स, मीन्स एक क्वेश्चन एक नंबर का। आपके टोटल क्वेश्चन है 190, टोटल मार्क्स है 200 एंड टाइम है 160 मिनट्स, मीन्स 2 आवर 40 मिनट्स। आपको सारे सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी एंड ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होगी। एंड आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, मीन्स मेंस का जो आपका फाइनल कट ऑफ है आपने जिस स्टेट से फिल किया है उस स्टेट से, उसके बाद आपका DV, LPT एंड देन योर जॉइन। अगर आप IBPS क्लर्क या फिर PO मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मिंटू से, अगर आप डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मेरे वीडियोस की, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, इसको देखिए। इसमें मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है सारे सेक्शंस का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करेंट अफेयर्स, आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको फ्री मटेरियल कहाँ से मिलेगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो Part 4 में है, मॉक एनालिसिस, आपको कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करनी है एंड एग्ज़ाम में आपको उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये सब कुछ मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है। आप जाके इसको एक बार ज़रूर देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। ये IBPS क्लर्क का हमारा Part 1 था, मैं बहुत जल्दी आपके लिए Part 2 लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी सेक्शन वाइज डिटेल सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का, एंड मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि हमें जो रियल टाइम एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का उसमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स भी डिस्कस करूँगी 17, 18, 19 की एंड सारा कंपैरिजन करूँगी, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि प्रीवियस ईयर जो 2019 का पेपर आया था उसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूँगी, डिटेल में एनालिसिस करूँगी, बहुत जल्दी आपको मेरा Part 2 मिल जाएगा। जैसे कि इस एग्ज़ाम को मैंने खुद क्लियर किया है, IBPS क्लर्क, IBPS PO, मैंने दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है और हमें कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है कि जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत नेगेटिविटी की बातें हो गई, अब थोड़ा पॉजिटिविटी की भी बातें कर लेते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इनका कम आने का रीज़न ये है ड्यू टू COVID-19, कोरोना की वजह से अभी जो लास्ट 2019 वाला रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया है, इस वजह से IBPS के पास अभी सारे बैंक्स ने डिटेल नहीं भेजा है कि कितनी वैकेंसीज कम है या उन्हें कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। बट ये श्योर है कि लास्ट में जब आपका फाइनल रिक्रूटमेंट होगा तो ये जो वैकेंसीज हैं 1557 से पक्का बढ़ जाएंगी। सो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट रखिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल वंडर बैंकिंग, फेसबुक पेज वंडर बैंकिंग एंड जीमेल पर भी ऐड हो सकते हैं एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो CET का प्रोसीजर है वो हमारे बैंक एग्जाम्स पे नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। इस बार इस एग्ज़ाम पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल बिल्कुल अप रखिए। ओके, थैंक यू।